क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में, 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, जीरो स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया, अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें pehlaghar.com। हजारों समर्थकों की रैली समेत मुमरा कलवा से चौथी बार जितेंद्र अवार्ड ने भरा पर्चा। देखिए कैसी थी जितेंद्र अवार्ड की नॉमिनेशन रैली। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कलवा 149 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। पार्टी में फूट होने के बाद एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट। तो फिर अपने पिता, अपने राजनीतिक गुरु और अपना सब कुछ जिन्हें वो मानते हैं, वो शरद पवार, उनकी पार्टी में बने रहे जितेंद्र अवार्ड। और चौथी बार वर्ष 2019 का तीसरा चुनाव जीतने के बाद चौथी बार उन्होंने तय कार्यक्रम के मुताबिक और घोषणा के मुताबिक 24 अक्टूबर को कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में अपना नामांकन पत्र दायर किया, अपना पर्चा उन्होंने यानी नॉमिनेशन फॉर्म दायर किया। उससे पहले रेती बंदर दत्तूवाड़ी से लेकर स्टेडियम तक हजारों की तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार समर्थकों, अवार्ड समर्थकों की एक बड़ी रैली निकली। ढोल नगाड़े बजाते हुए जगह जगह हाइड्रा और जेसीबी से हार फूल पहनाते और बरसाते हुए ये रैली कैसे पहुंची वो हम आपको दिखाएंगे। और फिर किस तरह से 3 बार के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने चौथी बार अपना पर्चा दायर किया और पर्चा दायर करने के बाद वो बाहर निकले तो कैसा उत्साह था उनके समर्थकों में और फिर उन्होंने मीडिया से क्या बातचीत की, देखिए। Hey, nobody!
आगे बढ़ो।
यादव और बिलाल भाई जसवीर भाई और उनकी पूरी टीम का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आखिर भी पूरी ताकत के साथ संतान साकिब काते, हमारी बेटी मर्जिया प्रधान, मैसर शेख साकिब काते, तमाम कानू भाई यादव है, तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, सहयोग कैसा मिला है तो वो तो आपको मालूम है। आपने हुजूम देखा है, आपने मजमा देखा है, मैं उसके बारे में क्या बोलूं? पवार साहब, सबसे बड़ी बात, पवार साहब से मुझे एक बात करनी थी लेकिन उनके स्वास्थ्य की वजह से वो बात ज़्यादा नहीं कर रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब शरद पवार यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी वसंत डावखरे जी के चुनाव के दरमियान के अब से आगे लेकर के देश में बहुसंख्यकों का आतंकवाद जो है वो देश के लिए घातक साबित होने वाला है। तो हम उस माहौल में पहुंच चुके हैं, पोलराइजेशन की जो राजनीति चल रही है, ध्रुवीकरण के तहत जो है समाज को बांटने का जो तेजी से काम चल रहा है, क्या ये चुनाव का फिर से बड़ा मुद्दा साबित होने जा रहा है? मुद्दा तो है बिल्कुल। जिस तरीके से विशालगढ़ पे हमला हुआ, जिस तरीके से नबीब के बारे में भला बुरा कहा गया, जिस तरीके से वक्फ की ज़मीनें आने वाले शीश अधिवेशन में गायब हो जाएगी, जिस तरीके से मलंगढ़ के बारे में बोला गया, जिस तरीके से शरीयत में हाथ डालने का काम रहा है, ईसाई समुदाय के बारे में भी तो चल ही रहा है, ईसाई समुदाय के ज़मीनों को ले लेने का प्लान बन चुका है और हमारी ज़मीनें तो कहीं यानी गायब ही है क्योंकि हमने तो ज़मीन का पानी भी नहीं पिया है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के ऊपर जो है सवाल महायुति के नेता जो उठा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि महायुति के खुद के नेता ही जो है वो भंडखोर करते हुए जो है अपक्ष के फॉर्म भर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा नहीं है। महाविकास आघाड़ी मजबूत है, एक है और मेरे ख्याल से मुझे जो साहब ने सुबह बताया कुछ 4-5 सीट के ऊपर थोड़ा सा चालू है, पर बोले सब हो गया। जितेंद्र के सीईओ जो है उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया अपने पद से, मिस इंफॉर्मेशन कंबाइंड अलायंस के, कैसे देखते हो चीजों को? एमसीए के जो सीईओ थे भास्कर जाधव ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कौन एमसीए? मिस इंफॉर्मेशन कंबाइंड अलायंस, ये जो संस्था होती है जो मीडिया में जो गलत खबरें चलाई जाती है उसको चेक करने का काम करती है 12 फैक्शन। नहीं भाई, मेरे को नहीं मालूम ये सब। इतना बड़ा बड़ा सवाल छोटे आदमी को मत पूछा करे यार। अरे भैया, आज फॉर्म भर रहे हम लोग। आवाज़ साहब, कलमा मुबारक की पूरी आवाम को इस चुनावी माहौल में आपके 15 वर्ष के पूरे करियर को रख के सामने क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील कुछ नहीं रहेंगी, मैं इतना ही कहूँगा सफ़र अभी बाकी है, मेरा काम ही मेरी पहचान है। धन्यवाद।